तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में जिस औषधि पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये पौधा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा पौधा माना गया है आयुर्वेद में। और ये देखिए, इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह होती हैं देखने में, मैं तोड़ के दिखा दूँ। ये देखिए, कुछ दोस्तों इस तरह पत्तियाँ होती हैं, जैसे अरहर होती है ना, अरहर सेम अरहर के क्वालिटी की ही पत्तियाँ होती हैं। और ये पौधा नदियों के किनारे पर बहुत मिलता है दोस्तों, इसको संभालू बोला जाता है। संभालू, संभालू की जो पौधा है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अनेक बीमारियों को, अनेक व्याधियों को दूर करने के लिए आप इसकी पहचान करें। अब इसमें फूल नहीं आए हैं, वरना इसके अगर फूल आते फिर इसमें फल होते तो उन फलों को संभालू के बीज बोला जाता है। संभालू, इसको निरगुंडी भी कहते हैं, निरगुंडी। ये चोट मोच और दर्द और सूजन बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। अगर आपके कहीं पर भी घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, साइटिका इत्यादि समस्त प्रकार के मांसपेशियों के दर्द और खिंचाव हो रहा हो या चोट लग गई हो, तो आप क्या करेंगे, इस निरगुंडी को ले लें और हरसिंगार को ले लें। निरगुंडी और हरसिंगार के क्वाथ को अगर आप बना करके रोज़ाना सुबह शाम खाली पेट सेवन कर लेते हैं, तो कैसी भी सूजन हो, कैसी भी दर्द हो, कैसी भी चोट हो, 15 दिन में ही जड़ से ख़त्म कर देती है। और जिनको अक्सर पेट दर्द की समस्या बनी रहती है दोस्तों, अक्सर पेट दर्द होता है किसी किसी का, काफ़ी इलाज कराने पर भी कोई पेट दर्द में आराम नहीं मिलता, डॉक्टर जो लोग हैं भी इसका मरहम नहीं पकड़ सकते कि आखिर पेट दर्द होता क्यों है। तो ऐसे पेट दर्द को, लाइलाज पेट दर्द को ठीक करने के लिए, जो रहरे के पेट दर्द होता है उसके लिए, आप इस निरगुंडी के पत्तों को लेकर के और पीस लें और हल्का गर्म करके अगर पेट पर चढ़ा लेते हैं तो बरसों पुराना जो पेट दर्द हो रहा है वो पेट दर्द ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है, मैं बता दूँ, वो है आपके बुढ़ापे को रोकने के लिए, दीर्घ आयु जीवन प्राप्त करने के लिए और बुढ़ापे को रोकने के लिए ये चमत्कारी नुस्खा मैं बताऊंगा। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, जो हमारे भाई हष्टपुष्ट बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर ताकतवर बनना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी बुढ़ापा ना घेरे और मैं नौजवान हट्टा कट्टा बना रहूँ, उनके लिए ये निरगुंडी बहुत ही अच्छा कायाकल्प प्रयोग है। कैसे करेंगे निरगुंडी का प्रयोग, मैं बता रहा हूँ। आप कम से कम निरगुंडी को ले लें, 1 किलो निरगुंडी, कम से कम आप 1 किलो निरगुंडी ले लें। और लेकर जैसे 1 किलो निरगुंडी है तो इसको टुकड़ों में काट करके और 5 किलो पानी में आप पकाएं, 5 किलो पानी में आप पकाएं और इतना पकाएं कि पकते पकते पानी आधा रह जाए, यानी कि 1 किलो पानी बचे। 5 किलो पानी में 1 किलो निरगुंडी पकाएं और 1 किलो पानी बचे, तब कपड़े से छान करके जो पानी बचे उसको दोबारा पकाएं पानी को, और फिर इतना पकाएं कि वह पानी पकते पकते शहद जैसा गाढ़ा हो जाए। फिर उसमें अश्वगंध, सतावर, सफ़ेद मुसरिया और काली मूसली का चूर्ण मिला लें और धूप में डाल करके सुखा करके गोली बनाने योग्य हो जाए तब आप गोली भी बना लें। और फिर अगर इस गोली का आप प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों सुबह शाम, सिर्फ 2-2 गोली अगर सेवन कर लेते हैं ना, तो मैं जो बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ, ये आपके बुढ़ापे को रोकता है, आपके यौवन को बढ़ाता है, आपकी दीर्घ आयु को बढ़ाता है, शरीर में क्षीण हुई ताकत को ये दोबारा लौटा देता है। ये बहुत ही अच्छा कल्क है, निरगुंडी कल्क, इसको दोस्तों निरगुंडी कल्क बोला जाता है। और जो हट्टे कट्टे ताकतवर बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे ना, वे कहीं मत जाइएगा, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और जो मैंने बताया है उस कल्क का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्ति और रात की थकान को दूर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, यह है निरगुंडी का पौधा। भारतवर्ष में ये नदियों किनारे किनारे और घने जंगलों में भी पाया जाता है। अब इसमें फूल नहीं आए हैं, ना ही तो इसमें फल आए हैं। ये दोस्तों देखिएगा, यह है निरगुंडी, बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है निरगुंडी का। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार।